मैं सबसे पहले तो सब लोग को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो जितना मेहनत किया शोज़ में, आप लोग ने भी थोड़ा मेहनत किया मेरे साथ साथ, वोट किया मुझे जिससे मैं विनर बना, आपके वोट से ही विनर बना मैं। तो मैं सब लोग को थैंक यू बोलूँगा, और मैं ये बोलूँगा कि आगे भी मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूँ। आगे जो मेरा सपना है कि मैं कुछ इंटरनेशनल शोज़ करूँ, इंटरनेशनल एक रियलिटी शो आ रहा है उसमें जाने वाला हूँ मैं, तो आगे भी आप लोग देखोगे और मुझे सपोर्ट करो, तो आगे चल के मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और जो भी लोग जिनको भी सपोर्ट चाहिए मेरे से, अगर कभी वो मुंबई आए, अगर लगता है कि उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो उनके लिए मैं पक्का करूँगा। बहुत अच्छा लग रहा, मैं बहुत सालों बाद आज भागलपुर आया हूँ और इतने अच्छे से मेरा स्वागत हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं युवाओं के लिए यही बोलूँगा, जैसे मैं मेरे अंदर कुछ था टैलेंट, मुझे समझ आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना था, मैंने जो सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ पे इतना फोकस नहीं था कि यहाँ पे मैं रह के कुछ कर सकता। तो मैं मुंबई गया और वहाँ पे ही अपना सपना पूरा करने के लिए मैं 4 साल रहा और सपना पूरा करके फिर से वापस अपना घर लौटा। छोटे से गांव से अभी जब मैं महानगरी पहुँचा, मुंबई पहुँचा, सपनों की दुनिया, बहुत ही मुश्किल भरा था वो मेरे लिए 4 साल ये, फिर भी मैं कि उससे जितनी भी मुश्किलें आती गई मैं उससे लड़ता गया, कितनी भी स्ट्रगल हुए मुझे कोई परवाह नहीं होता था कि मेरे साथ मुश्किलें आ रही है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए मैं कहीं भी रहना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, वो करता और किया, और आज मैं आप लोग के सामने हूँ, आप लोग के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक देन है, बिहार की देन है, भागलपुर की देन है, चलते चलते हम मुंबई में आ गए, और जैसे एक अच्छा शिल्पकार था उसको पूछा गया कि आप इतने पत्थरों से अच्छे शिल्प कैसे बनाते हैं, उन्होंने बोला मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, जो अच्छा नहीं पार्ट है उसको निकाल देता हूँ, मूर्ति तो पत्थर में ही होती है। तो इसी प्रकार से इनके बीच में ही मूर्ति थी, जो अच्छा नहीं था उसको निकाल दिया और ये सही तरीके से उभर आए, और उन्होंने बहुत अच्छा हुनरबाज देश की शान में सबसे पहला नंबर प्राप्त किया। आपको आकाश गुरु मानते हैं, आपको कैसा खेल लगता है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो मेरा ऑनर है कि आज वो मुझे रिकग्नाइज करता है। इसके पहले भी एक मनोज मिश्रा थे, एक माणिक पाल थे, ये लोग भी ऐसे ही मुंबई आए थे, मेरे समर्थ व्यायाम मंदिर में आए थे, और आज उन्होंने अपना नाम बहुत गौरव किया। उसी प्रकार आकाश ने भी जो मार्गदर्शन किया उसका सही सही नतीजा, उसका बहुत मेहनत, और ये फल पा लिया है। मेरा नाम है उदय देशपांडे, मैं श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर मुंबई इस संस्था का प्रमुख प्रशिक्षक और मानद कार्यवाह हूँ। पहले गया था तो सोचे क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, देश में कोई अपना नहीं है, कैसे सोता होगा, खाता होगा, रहता होगा, लेकिन जब से जब जीत गया है तो हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्या मेरा पूरा बिहार, भारत का हर जनता सपोर्ट किया, वोट भी दिया, सबको हम हाथ जोड़ते हैं। भागलपुर वासियों को संदेश देना चाहते हैं? हाँ, संदेश देना चाहते हैं, सब हमारा बेटा को आशीर्वादी देवे, सब का बच्चा आगे बढ़े, सब खुश रहे, जो भी जिसका भी बच्चा करता है दिल से करे, जैसे हम खुश हैं उसी तरह सबका मम्मी पापा खुश रहे। इन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत किया है मेहनत। कितना सपोर्ट रहा आपका? क्या आपका सपोर्ट रहा? हम बहुत इसको सपोर्ट दिए थे, खूब खुश थे, क्या मेरा बेटा जब देखें क्या उस पर, तो हमको बहुत दुखी थे, जिस दिन से जब देखें क्या बेटा मेरा जीत गया है उस दिन से बहुत खुश हैं। नाम बताइए। पुष्पा देवी।